शौर्य। हम आप यहाँ आप कैसी हो? कैसी हो सकती हो शौर्य? तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। तुम्हारे बिना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। तुम्हें पता है हम वेरी हर्ट शौर्य। हम आप मुझे बताइए क्या हुआ है? Why are you hurt? क्या हो सकता है शौर्य? रीजन तो तू बहुत अच्छे से जानते हैं। वो राजवीर और उसकी मासी, उनके आने के बाद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं मुझे मेरे ही घर में कोई पूछते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो लोग फैमिली मेंबर है और मैं गेस्ट हूँ। आप ऐसी बातें मत सोचिए। आप अपने घर में गेस्ट कैसे हो सकते हो? वो राजवीर की मासी को मैं आपकी जगह और ये स्टूपिड राजवीर को अपनी जगह कभी लेने नहीं दूंगा। कैसे शौर्य कैसे? तुम्हें पता है जरा सभी कुछ बोल दो ना, राखी मॉम राशन पानी लेके सब पे चढ़ जाती है। वो राजवीर और उसकी मासी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो दोनों हमारे घर में हमारी जगह ले रहे हैं। पहले मेरे घर में मेरी सुनी जाती थी, लेकिन अब तो कोई सुनता भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ही वो राजवीर और राजवीर की मासी हमारे घर में आते हैं, हम तो इनविजिबल हो जाते हैं। हमारा जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे ही घर में। Listen to me. आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। Stop being so stressed about it. मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इंपॉर्टेंस 0.01% भी कम नहीं होगी। ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। पर आपको मुझे यहां से बाहर निकालना होगा। मैं यहां अंदर रह के कुछ नहीं कर सकता। आप देखना, जब भी मैं बाहर आ गया ना, इनकी तो खैर नहीं है। इन्हें अपने घर में पैर भी रखने नहीं दूंगा मैं। I know, sure. I trust you. लेकिन ये कैसे होगा? You know, करण को मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अगर वो आधी प्रॉपर्टी संशुमन के नाम कर देता तो तुम बाहर आ जाते ना। लेकिन नहीं, करण को कोई केयर नहीं है। वो तो बस सारा टाइम राजवीर राजवीर राजवीर। हाँ शौर्य, मैंने तुम्हारे डैड से बात करने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो सिर्फ उस राजवीर की मासी और उस राजवीर की केयर करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी प्रॉपर्टी ना उनके नाम करना चाहते हैं। मॉम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया मैडम, आप जाइए। आप बस मुझे बाहर निकालने पे फोकस कीजिए मॉम। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। आप इसे अपसेट मत रहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जिंदा हूँ अभी, ओके? आप जाइए। Take care of yourself. Yes, ma'am. You too. I'll try my best. तीर मैंने चला दिया है, अब आगे का काम शौर्य करेगा।